हेलो एवरीवन। तो आज काफ़ी टाइम बाद फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने, और आज का जो मेरा टूर है वो गिलगित के लिए है। बाइक बिल्कुल रेडी है, सामान वामान हेलमेट और ये हर चीज़ तैयार है। अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से कोई ऑलमोस्ट 4 बजे, 4 बजे इस्लामाबाद से निकलूँगा और अल्लाह खैर करे रात को 10-11 बजे तक नारायण पहुँचाऊँगा। तो अभी आपको रास्ते में दिखाते हैं, जो भी होता है आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी बस यहाँ से टायर का काम भी हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा जी, तो फाइनली हम यहाँ पे कागान से थोड़े से पीछे है। ऑलमोस्ट मैंने कोई 6 to 7 hours की राइड की है। बीच में वीडियो सही नहीं बनी, इसका रीज़न ये है कि यार रास्ते बहुत ख़राब है, GT रोड का हालत टाइट है, इस वजह से वाइब्रेशन हो रही थी बाइक में और थोड़ा वो जो स्टेन था वो भी अच्छा नहीं दिया था जिससे मैंने लिया था, तो उस वजह से वो रास्ते वाले वीडियो अच्छा नहीं बना और ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सका। रीज़न ये था कि रात हो गई थी और रात को मोबाइल इतना काम नहीं करता है। तो फाइनली यहाँ पर आया हूँ, तो 11 बजे आगे रोटी नहीं मिलना था, तो अभी इसलिए थोड़ा अंडा और ये टमाटर मिला के थोड़ा छोटा हल्का फुल्का सा सालन बनाया है, तो ये अभी खा रहा हूँ। इसके बाद अभी यहाँ से 2 घंटे का और रास्ता है नारायण के लिए, 2 घंटा मस्जिद राइड करूँगा, उसके बाद फिर नारायण में स्टे है मेरी। और कल सुबह फास्ट की जितने बजे भी आँख खुलेगी, अभी तो थका हूँ तो हो सकता है थोड़ा लेट आँख खुले, तो जब आँख खुलेगी तो वहाँ से फिर हम आगे गिलगित की तरफ निकल जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मैं हर चीज़ सुबह जब इसके बाद जो सुबह स्टार्ट होगी तब से मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपने किस तरह राइड करना है। अभी अभी मैं थोड़ा सा बच भी गया हूँ, बाइक बिल्कुल स्लिप हो गया था, तो इन चीज़ों का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक तो टायर गर्म होता है, दूसरा रोड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक चलते हैं GT रोड पे, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है। और साथ साथ यहाँ पे मोड्स बहुत ज़्यादा है, उनका भी ख्याल रखते हुए आपने बाइक की राइड करना है और मेक श्योर करके ज़्यादा ब्रेक टाइट ना हो। मेरा ज़्यादा ब्रेक टाइट था, इस वजह से 2 दफ़ा स्लिप हो गया, लेकिन मैंने अभी थोड़ा ब्रेक को लूज़ किया है तो अभी सही चल रहा है। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आगे आपसे बात करते हैं। अरे अरे मम्मी रोटी